बस एक मिनट से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, अब स्टार्ट किया जाए। तो पहले तो समझेंगे हम लोग कि ये मीटिंग क्यों हुई रही, सबको पता ही है। ठीक है, मीटिंग है गुरुकुल की, राइट। 4 महीने की अपनी जो गुरुकुल की यात्रा होती है, उस यात्रा के रिलेटेड मीटिंग है, जिसमें हम लोग BIM के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? BIM के बारे में पढ़ते हैं कंप्लीट डिटेल्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग BIM के बारे में थोड़ा बहुत पहले से जानते नहीं, लगभग थोड़ा बहुत तो सबको नॉलेज होती है। एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो ऑफ रखना, अदरवाइज क्या बोलते हैं, आप भी यूट्यूब पर प्रदर्शित होंगे। ठीक है, तो बाद में हमको मत कहना, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, चलिए। तो BIM को जो पढ़ते हैं हम लोग, तो पढ़ने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपने रैबिट सीख लिया, ऑटोकैड सीख लिया, आपको लगता है कि यार हम BIM सीख रहे हैं, पर एक्चुअली वो BIM थोड़ी होता है, वो तो आपने क्या किया हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा BIM होता क्या है, कुछ लोगों को आइडिया नहीं होगा BIM क्या होता है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप मेहनत कर दीजिए और मेहनत कर लिख के लिखिए व्हाट इज़ BIM। अब ये मत लिखना कि बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग, ये सबको पता है। व्हाट इज़ BIM, थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप लोग मेहनत करिए और लिखिए कि BIM होता क्या है, फिर वहाँ से यात्रा स्टार्ट किया जाए, फिर हमको समझ आएगा कि अच्छा आपको थोड़ा बहुत BIM के बारे में पता है या फिर काफ़ी कुछ पता है। चैट बॉक्स में लिखिए व्हाट इज़ BIM। ठीक है, बिल्डिंग स्टैंड फॉर बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग, बट ये होता क्या है। ठीक है, क्योंकि पहले भी हम लोग मॉडल बना चुके हैं, तो इसमें अलग क्या रहता है। सर, मैं तो एक जगह गया हुआ था, वहाँ पर बोला जा रहा था कि क्या बोलते हैं, रैबिट पर प्रैक्टिस करो, रैबिट BIM है। ठीक है, कई ऐसे लड़के होते हैं मुझसे कॉल पे बोलते हैं, कॉल पे मुझे बोलेंगे सर क्या बोलते हैं, मैंने रैबिट सीखा है और मुझे बताया गया था कि रैबिट ही BIM है, तो रैबिट कैसे BIM हो सकता है। तो थोड़ा सा वो है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बताएं। मैं थोड़ा सा फैन को ऑफ कर देता हूँ कि मेरे वीडियो में ऐसे ब्लर ब्लर हो रहा है, जस्ट मिनट। आप तब तक लिखिए चैट बॉक्स में। चलिए, ब्लर ब्लर होता है। कुछ लोग सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं कि कंप्लीट ऑल द सॉफ्टवेयर एज ऑटोकैड, रैबिट, ओके, स्केचअप, ओके, प्रोसेस इन विच इंटेलिजेंट मॉडल इज क्रिएटेड विथ, ओके, वेरी गुड, राइट आंसर आ चुका है SK आदिल की तरफ से। वेरी राइट आंसर एंड एक्चुअली एकदम परफेक्ट आंसर है, एग्जैक्टली इट्स प्रोसेस। और ये लिख रहे हैं कि BIM में प्लान एंड मॉडलिंग एंड अदर। ठीक है, अगर एक वर्ड में आंसर देना हो तो आदिल ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया हुआ है, दैट इज BIM क्या होता है। BIM मीन्स होता है इंटेलिजेंट 3D मॉडल तैयार करना। अब लोग सर इंटेलिजेंट मतलब क्या, जैसे हम लोग होते हैं ना, इंसान होते हैं, इंसानों में कुछ इंटेलिजेंट इंसान होते हैं, कुछ उस तरीके से नहीं। मॉडलिंग हम लोग पहले करते थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि मॉडलिंग BIM के पहले होता नहीं था, बिल्कुल होता था, पर उस मॉडलिंग के अंदर इंटेलिजेंट मॉडल ऐड कर देना, मतलब इंटेलिजेंट मॉडल मतलब उस मॉडल को इंटेलिजेंट बना देना। किसके माध्यम से? कुछ सॉफ्टवेयर के हेल्प से, जिसमें टिकला है, नेविसवर्क है, रैबिट है, और समटाइम्स वी यूज सम डिफरेंट सॉफ्टवेयर, कुछ पेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इन हाउस सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके माध्यम से किसी भी एक 3D मॉडल को इंटेलिजेंट मॉडल बना देना, उसको बोलते हैं क्या, BIM। तो कुल मिला के इंटेलिजेंट 3D मॉडल को अगर आप एक वर्ड में बोले तो दैट इज BIM। और आसान कर दूं, और आसान अगर करना हो तो जो मैं आपको पहले भी YouTube पे बता चुका हूँ, जो सारा काम आप ऑन साइट करवाते थे, जो भी प्रैक्टिकली सारा काम आप ऑन साइट करवाते थे, उस पूरे काम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पहले कर लो, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करके उसके क्रॉस चेकिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, प्रोसेस क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, किस तरीके से बनाया जाए, मतलब जो कुछ ऑन साइट करवाते हो वो सब कुछ पहले आप अपने लैपटॉप में कर लो, और लैपटॉप में करने के बाद आप देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एलिवेशन अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब पहले चेक कर लो, फिर एग्जीक्यूशन करवाओ। आप बोलोगे सर ये बताइए, जब ऑन साइट करना ही है उस चीज़ को, तो हम यहाँ पर अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी लैपटॉप पर अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। सही बात है दोस्त, अगर आप ऑन साइट कोई काम कर रहे हो, मतलब साइट पर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, आपने एलिवेशन बनाया और एलिवेशन अगर आपका लुक आया नहीं उस लेवल का, जिस लेवल का आप लुक चाहते थे, अब आप दूसरा लुक चाहते हो, लोगों को पसंद नहीं आ रहा हो, लोग क्या करोगे, उस लुक को पूरे को तोड़ोगे। आपने कोई रूम बनाया, ठीक है, और रूम बनाने के बाद आपको समझ आया कि इस रूम में सनलाइट ही नहीं आ रही है,
और लाइट ना आने की वजह से यहाँ पर इस रूम, इस पूरे कॉलोनी के इस तरफ इतने रूम है, सब में अंधेरा आ रहा है। अब क्या करोगे वहाँ पर? बड़े बड़े खिड़कियाँ तोड़वाओगे। आपने गार्डन बनवाया, गार्डन बनवाने के बाद पता चला यार ये जो गार्डन है यहाँ की पॉपुलेशन के लिए सफिशियंट नहीं है, क्या करोगे? अब जो रोड थे रोड को तोड़ के गार्डन बनवाओगे। आपने एक ऑफिस बनाया, ऑफिस के अंदर कूलिंग सिस्टम लगवाया, 10-15 लाख रुपए खर्चा किया आपने। बाद में पता चला कि ये जो कूलिंग सिस्टम है ये पूरे हॉल को ठंडा ही नहीं कर पा रहा है। अब क्या पूरी डक्टिंग तोड़वाओगे? मतलब कि आप कभी भी बिना प्रोसेस को एक वे में कर किए हुए अगर आप एजुकेशन करोगे, ठीक है। आज ही मुझे एक लड़के का फोन आया, पता नहीं वो इसमें है इस ग्रुप में कि नहीं पता नहीं। तो उस लड़के ने एजुकेशन करवा लिया है और उसने क्या किया, 9x9 का कॉलम अपने प्रोजेक्ट में डलवा दिया है। वो G+2 जाना चाह रहा है और 12 mm के 4 बार डाले हुए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। अब फंस चुका है वो। अब मुझसे बोल रहा है सर ऊपर क्या मैं एक कॉलम बढ़ा सकता हूँ? मैंने कहा ऐसे नहीं बढ़ाया जाता है, कॉलम बढ़ाया जाता है उसका प्रोसेस है, बट तुम्हारे प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन ही नहीं हो सकता। तो मतलब पहले जब चीज़ों की प्लानिंग कर ली होते हैं। स्टिल आपका माइक ऑन है, जस्ट ऑफ करिएगा, अभी थोड़ी देर में आप सबको बिल्कुल वक्त दिया जाएगा। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू से कैन से, सभी को टाइम मिलेगा। आपके जितने क्वेश्चन होंगे ना मैं भर भर के आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है? चलिए तो हम पहले प्रोसेस कर ले और उसके बाद एग्जीक्यूशन करें तो हमेशा काम बेहतर होता है। हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने कैरियर के बारे में सेम किए होंगे, क्या किए होंगे, डायरेक्ट लग गए जो भी मिला उस समय पे, और फिर उसके बाद उन्होंने सही तरीके से प्लानिंग नहीं किया। तो मैक्सिमम चांस है कि उनके, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सबके साथ, बट मैक्सिमम लोगों का जो कैरियर का ग्रोथ है उस लेवल का नहीं हो पाता जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए था उस साल उतने साल के एक्सपीरियंस पे। क्यों? क्योंकि हमें स्टार्टिंग से पता ही नहीं था प्लानिंग कैसे कैसे करना है। तो यही प्लानिंग पूरा, अभी मत करना कि सर प्लानिंग सीखने चल रहे हैं BIM में, नहीं, ये प्रोसेस सीखने चल रहे हैं BIM में, जो कि गुरुकुल के अंदर हम लोग 4 महीने के अंदर सीखेंगे। ऑटोकैड, रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट MEP, नेविस वर्क, टेक्ला, 3ds मैक्स, स्केचअप, ये जो आप लोग जानना चाहते हो कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर रहेंगे, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर के लिस्ट है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि सॉफ्टवेयर एक केवल टूल है, कैलकुलेटर है, ये हेल्प करेगा। इसके पीछे बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, LOD के कॉन्सेप्ट है, स्कैन टू बीम का कॉन्सेप्ट है, डायनेमो का कॉन्सेप्ट है, BIM 360 का कॉन्सेप्ट है, वो सब सीखेंगे। आप बोलोगे सर ये सारी चीज़ें तो आपने यूनिक सिविल ऐप पर वीडियो कोर्स के माध्यम से अवेलेबल करा दिया है। हाँ जी बिल्कुल करा दिया है। तो फिर हम लोग गुरुकुल को क्यों ज्वाइन करें? तो देखो गुरुकुल को ज्वाइन करने से सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट, पहला बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर रेगुलर मैं आपको काम देता हूँ। कई ढेर सारे अपने गुरुकुल के स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी हैं जुड़े हुए, तो यहाँ पर डेली मैं आपको वर्क देता हूँ और वर्क देने के बाद मैं डेली आपके वर्क को चेक करता हूँ, जो भी गलती रहती है उसी समय करेक्ट कर देता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं डेली 4 महीने तक आपको, ये 3 पार्ट में अपनी क्लासेस चलती है, 1.5 घंटे की क्लास होती है। तो 1.5 घंटे की क्लास में स्टार्टिंग का 30 मिनट मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के टॉपिक्स डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट 30 मिनट जो होते हैं उस 30 मिनट्स में हम आपके असाइनमेंट्स को चेक करते हैं, मतलब डेली यहाँ पर प्रोजेक्ट्स करने, और मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स तो अपने लाइव प्रोजेक्ट ही रहते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को आप करके आते हो, मैं चेक करता हूँ, जो गलती रहती है तुरंत करेक्ट कर देते हैं। और लास्ट का जो 30 मिनट होता है उस 30 मिनट में आपको मैं देता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली आपको डेली 1.5 घंटे घर से भी पढ़ के आना है ना, लाइव जो भी आप रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ के आते हो, तो जो डाउट है आप उस आधे घंटे में वहाँ पर कवर कर सकते हो। तो रहा मेरा काम। उसके बाद और क्या यूनिक हो जाता है, ठीक है, यूनिक सिविल में आ तो कुछ यूनिक होना चाहिए ना, और अलग ये हो जाता है कि यहाँ पर हर फ्राइडे को अपना मॉक टेस्ट होता है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। जब आप मेरे सामने होते हो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको तुरंत आंसर देना होता है। सबके पास, तुम्हें हो या मुझे हो, सबके पास हेजिटेशन होती है ना इंटरव्यू की, वो हेजिटेशन खत्म ही हो जाती है क्योंकि हर फ्राइडे को यहाँ पर मॉक इंटरव्यू आपको देना पड़ता है। और क्या बेनिफिट हो जाता है आपको गुरुकुल में? और ये फायदा हो जाता है कि यहाँ पर आपको कैट टेस्ट दिए जाते हैं। कैट टेस्ट कैसे? जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको कैट टेस्ट दिया जाएगा। अब वो लोग सर कैट टेस्ट, तो कैट टेस्ट को टूल टेस्ट बोलते हैं, मशीन टेस्ट बोलते हैं, मतलब कुल मिला के आपको एक ड्राइंग दी जाएगी, एक फिक्स टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर बनाना पड़ेगा, उसको कैट टेस्ट बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जिसको आप जानते हो, वो उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाती है आपको। उसके अलावा कई जो बड़ी एमएनसीज होती हैं वहाँ पर MCQ टेस्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी काबिलियत को पहले वो चेक करते हैं MCQ के माध्यम से, फिर शॉर्ट टेस्टिंग करके आगे चलते हैं। तो वो भी आप यहाँ पर MCQ भी, कई ढेर सारे मरीज लगभग हर सॉफ्टवेयर के MCQ टेस्ट दे लेते हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो आपको अभी पता चलेगी
वो सब सबसे बड़ी बात वो ये है, हम सब बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई करने के बाद हमारी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती है। आपको पता है शॉर्ट लिस्टिंग क्यों नहीं होती है? बिकॉज अपना माइक वीडियो ऑफ कर देना, ठीक है, नहीं तो कोई तुम्हारी दोस्त देख लेगी वीडियो तो कहेगी यार विकास क्या कर रहे हैं यहाँ पर है? तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है हमारे साथ कि हम लोग रिज्यूम के लिए अप्लाई अपना रिज्यूम अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद हमें शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं मिलती है। जनरली हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, ठीक है, कि शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती। आपको पता है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न, पहला रीज़न ये है कि जो हम लोग रिज्यूम बनाते हैं वो रिज्यूम ATS फ्रेंडली नहीं होता है। आप बोलोगे सर ये ATS फ्रेंडली क्या होता है? ATS मीन्स होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। जो आप रिज्यूम बनाते हो आप ये मत सोचो कि कोई बड़ी कंपनी है आपके रिज्यूम को प्रॉपर चेक करती है। आपके रिज्यूम को कितने लोगों के रिज्यूम को बड़ी कंपनी चेक करेगी? टाटा कंपनी है, अगर बीप की बात करें, वी कंस्ट्रक्ट है, नील सॉफ्टवेयर है, इनके पास हजारों में एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं। और ये क्या करते हैं, इन्होंने सॉफ्टवेयर्स रखे हुए हैं, ठीक है, ATS सॉफ्टवेयर्स मार्केट में ढेर सारे होते हैं, उस सॉफ्टवेयर्स में आपकी CV को ये डाल देते हैं, ठीक है। विकास अपना वीडियो ऑफ कर देना दोस्त, ठीक है, थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके रिज्यूम को डाल दिया जाता है ATS सॉफ्टवेयर्स के अंदर। जैसे ही ATS सॉफ्टवेयर्स के अंदर डालते हैं, ATS सॉफ्टवेयर्स कंपनी की रिक्वायरमेंट देखता है और आपके रिज्यूम को देखता है, जो जो मैच किया उसकी उच्च CV को रैंकिंग कर देता है कि सबसे अच्छा इसका मैच कर रहा है, सबसे ज़्यादा ऐसा इसका, सबसे ज़्यादा इसका इसका, टॉप 20 टॉप 30 CVs को क्या बोलते हैं वो लोग उठा लेते हैं, बाकी सारे CV को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बाकी सारे CV को रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो चाहिए वो आपके CV में है ही नहीं। तो हमारा CV ATS फ्रेंडली होना चाहिए। तो ATS फ्रेंडली CV हम यहाँ पर बताते हैं आपको कैसे बनाना है, कैसे एडिट करना है, सब कुछ वो मेरा काम है, ठीक है। आपको सिर्फ आके और एक चीज़, और गुरुकुल में सिर्फ वही लोग आए जिसके पास मिनिमम 5 घंटे आपको डेडिकेट करने के लिए हैं, क्योंकि 1.5 घंटे यहाँ पर लाइव क्लास होती है, 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग क्लास होती है, मिनिमम 2 घंटे की प्रैक्टिस क्लास होती है। तो अगर 5 घंटे नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा गुरुकुल मत ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि जब प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे तो सबसे बड़ा की तो यही है ना, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं निकलता, मिनिमम 5 आवर्स आपके पास होने चाहिए। तो पहली चीज़ हो गई आपकी ATS फ्रेंडली रिज्यूम कैसे बनाना है। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम क्या होती है हम लोग के साथ, हम किसी भी कंपनी को बोलते हैं हमें रैबिट आता है, हमें ऑटो कैड आता है, हमें क्या बोलते हैं टिकला आता है। मान लो अभी आदिल मैसेज किए, तो अभी आदिल को मुझे जानना है कि आदिल को क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब आदिल जैसे कई ढेर सारे लोग हैं, ठीक है, कंपनी में इंटरव्यू देने गए, अब मैं कैसे ये जज करूं कि आदिल को कितना आता है, क्योंकि आदिल से मैं डिस्कस कर रहा हूं और मैं आदिल को हायर करना चाहता हूं अपनी कंपनी के लिए, फ्यूचर के लिए। तो मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आए कि आदिल इज़ द बेस्ट कैंडिडेट और नॉट? तो कॉन्फिडेंस आने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आदिल अपना पुराना काम दिखा दें, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी एग्जांपल बताता हूँ। अभी हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारा एक क्लाइंट थे, तो उनको अपना घर बनवाना था, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे घर बनवाना है, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर दीजिए। तो हमारी टीम के कुछ लोग थे, मैंने बोला इनसे आप बनवा लीजिए, अच्छे लोग हैं, अच्छे से बना देंगे डिज़ाइन के हिसाब से। तो उनके पास गए, उनके पास जाते उन्होंने बोला कि आप इससे पहले किसका किसका बनाए हुए हो? तो उन्होंने बताया कि इनका इनका बनाए हुए हैं। तो बहुत डेडिकेटेड पर्सन थे, उन्होंने बोला मैं चाहता हूँ कि मैं उन घरों को जाके देखूँ जिनको आपने बनाया है। वो मिस्त्री लेके गया, वहाँ पर उन्होंने फीडबैक लिया, उसके बाद मुझे बोले हाँ यार ये अच्छा आदमी है, इसको प्रोजेक्ट दे दूँ? मैंने बोला कि अच्छा नहीं होता तो मैं रेफरेंस ही नहीं देता। तो कुल मिला के आप ये समझो कि आपको किसी के पास जा रहे हो तो उसको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उसको अपना काम दिखाओगे। काम किस तरीके से दिखाना है? सिंपल, आपने बढ़िया से एक पोर्टफोलियो दिखाया, पोर्टफोलियो में एक से बढ़ के एक बढ़िया बढ़िया मॉडल्स बनाए, डिटेलिंग्स किया रेबिट स्ट्रक्चर्स के अंदर, रेबिट आर्टिचर के अंदर अच्छा सा रेंडर किया उसको इनस्केप वगैरह यूज करके, और उसके बाद जब सामने वाले के पास रख दिए, अब कैसे नहीं उसको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा यूनिक सिविल ऐप पर 2-3 रिज्यूमे हम लोग पोर्टफोलियो डाला था। अब उन पोर्टफोलियो को देख के कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा ना यार ये तो, इसको तो सब कुछ आता है, ठीक है। तो कुल मिला के पहली चीज़ है कि आपका रिज्यूम अच्छा होना चाहिए, दूसरा चीज़ आपका पोर्टफोलियो, तो वो मैं बताऊँगा कैसे बनाना है, सब कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तीसरी चीज़ हम लोग जो गलती करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या बोलते हैं, सपोज मैं यहाँ पर मैंक है, ठीक है, तो मैंक भी हमारे काफ़ी ओल्ड स्टूडेंट है, तो मैंक के यहाँ पर है, तो मैंक को मैं अगर कोई चीज़ बोलूँ, ठीक है, और बोलने के लिए मैं सपोज मैंक मेरे से बहुत सीनियर है, ठीक है, और मैंक को मैं बोलूँ कि मैंक एक प्लान बना लेना, ठीक है, एक अच्छा सा प्लान बना लेना,
ओरली मैंने बोल दिया, और उसके बाद मैं ने गया जल्दी जल्दी से, उन्हें प्लान बनाया, और प्लान बना के इन्होंने मुझे जस्ट मेल कर दिया। अब बिलीव करो, अगर इन्होंने प्लान बना के जस्ट ऐसे मेल कर दिया तो मुझे ऐसा लगे जैसे इन्होंने प्लान बना के मेरे ऊपर एहसान कर दिया, फेंक दिया मेरे ऊपर। मतलब जब किसी को अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए अच्छा कवर लेटर आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा कवर लेटर होना चाहिए। कवर लेटर मतलब कि मेल में आप ये लिख सकें कि एग्जैक्टली हमने क्या बनाया हुआ है, क्या क्या हमारे पास नॉलेज है, इसको अच्छे से प्रेजेंट करना। इसको बस इस तरीके से बोल सकते हो कि अभी मैं रिसेंटली नागपुर में था, कुछ लोगों को पता भी होगा, तो एक होटल में गया, तो उस होटल में पराठे की कीमत थी 40 रुपये। कितनी थी? 40 रुपये थी। और वहाँ पर लिखा हुआ था सेल्फ सर्विस, और सफाई ऐसी थी कि मतलब आप एक ही बार खाना खाने जाएंगे, दोबारा आपका थोड़ा सा इच्छा ना करें। और एक और जगह मैं गया, ठीक है, वहाँ पर भी मैं, मुझे पराठा काफ़ी पसंद है, तो मैं वहाँ पर गया, तो वहाँ पर पराठे की कीमत 220 रुपये थी। अब आपको भी हैरानी होगी, मुझे भी हैरानी होगी कि किस बात के 220 रुपये। तो बाद में मुझे पता चला वहाँ का इन्वायरमेंट, मतलब प्रेजेंटेशन, मतलब कवर लेटर, उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया, उसके बेस पर उनकी प्राइस इन्हेंस हो जाती है। तो ये तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कवर लेटर है। विक्की अपना वीडियो ऑफ कर देना दोस्त, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग इसके अंदर सीखते हो अपने गुरुकुल के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये, हम में से बहुत से लोगों के पास वीडियो कोर्स रखे होते हैं पर हम उनको रेगुलर वॉच नहीं करते। क्यों? वॉच किए कहीं फंस गए, वहीं रुक गए, अब रख दिया, अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके साथ। तो यहाँ पर गुरुकुल में क्या होता है, यहाँ पर डेली मैं आपको बोलूँगा आज ये लेक्चर आपको वॉच करना है, और इसके बिहाव पर ये लेक्चर वॉच करके ये असाइनमेंट्स हो सकता है, वो असाइनमेंट्स वॉच करना है। अब उस असाइनमेंट्स को करने के लिए आपको वो लेक्चर वॉच करना मजबूरी हो जाती है, तो फिर आप इस चैन की वजह से पूरा का पूरा अच्छे से ट्रेनिंग कर पाते हो। तो कुल मिला के अगर आपको BIM में परफेक्ट होना है तो आई थिंक गुरुकुल इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। अब आपके कुछ डाउट, मैं सिलेबस वगैरह क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस वगैरह मैंने ग्रुप में भेज दिया है, आप देख सकते हो ऑलरेडी, कई ढेर सारे सिलेबस के वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाल दिए हैं, तो आपको पता ही है। अगर किसी को चाहिए कि सर सिलेबस भी बता दीजिए तो बता, बिल्कुल बता दूंगा। यहाँ पर थंब पे आप देखोगे ना, तो थंब पे, और सिलेबस मैं हमेशा चेंज करता रहता हूँ कंपनी के अकॉर्डिंग। अगर मुझे लगता है कि ये वाली जो कंपनी है, क्योंकि मैं आपको ग्रुप के अंदर ओपनिंग्स बताता रहता हूँ, यहाँ ओपनिंग चल रही है, ये वाली कंपनी में ये स्किल्स की ज़रूरत है, ठीक है, समझ लो आज के टाइम में स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई एक पर्टिकुलर स्किल्स की ज़रूरत है, तो मैं क्या करता हूँ उस स्किल्स पर आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे देता हूँ। उससे दो बेनिफिट होता है, एक तो मेरा नॉलेज बढ़ जाता है, दूसरा बेनिफिट होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके कोई, मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूँ कि ये लिख दिया कि इस लेक्चर में यही पढ़ाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अपन एकदम आपके बड़े भाई की तरह, ठीक है। मेरे टीम के लोगों ने बोला कि आप मीटिंग लेते हो तो कम से कम कोट पैड पहन लिया करो, मैंने कहा मुझे शो ऑफ नहीं आता है, ठीक है, मुझे लोगों के फ्यूचर को बनाना है, तो उसमें कोट पैंट पहन के मुझे शो ऑफ थोड़ी करना है। चलो, तो अभी आपके कुछ प्रश्न होंगे, आपके दिमाग में होंगे, तो उनको कुरेदो जो आपके दिमाग में प्रश्न है, और थम ऑन कर लो, मैं एक एक करके सबसे डिस्कस कर लेता हूँ जो भी प्रॉब्लम है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम बचेगा तो टेंशन मत लेना, मैं अलग से आपको बता दूंगा इन केस आपका कुछ ऐसा पर्सनल डाउट रहा तो। रावत कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, एकांश बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते जी सर। मैं सर आपके सर लेक्चर्स में काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। अरे वाह, धन्यवाद भाई। और सर मतलब मैंने आपका कोर्स भी लिया है, और सर मैं अभी मतलब ऑटो कैड तो मैंने कंप्लीट सीख लिया है, और रिविट में मतलब आर्किटेक्ट कर रहा हूँ सर अभी। करेक्ट। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर बीम में जैसे सर मुझे जॉब करनी है, तो सर मतलब उसके लिए सर जो बेसिक हैं, जो स्ट्रक्चर के बेसिक हैं सर, जैसे स्टैट प्रो वगैरह, वो मुझे आने वो सीखना ज़रूरी है? नहीं, मैं एक, हमारे पास टॉपिक लिस्ट है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने ग्रुप में दे रखा है, तुम उन लिस्ट को देख लो, ठीक है, और उन लिस्ट में जितनी चीज़ें हैं सिर्फ उतनी रेडी कर लो, ठीक है। और एक मैंने बहुत अच्छा मेहनत करके एक 11 पेज का पूरा क्वेश्चन आंसर तैयार किया हुआ है, और अब तक की वो खासियत रही है कि वो 11 पेज जिसने रट लिया है, ठीक है, ऑलरेडी मैं तुम्हारे उस वीडियो कोर्स में भी दिया हूँ, और उस 11 पेज को जिसने रट लिया है, ठीक है, चैलेंज देता हूँ, आज तक कोई भी BIM का इंटरव्यू हुआ हो, 80% क्वेश्चन उसी के अंदर से आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा हुआ है, कि क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जैसे कि तुमको कहीं, तुम कहीं इंटरव्यू देने गए, मैं तुमको खुद ही, अभी मैंने एक लड़का है कलाम करके, ठीक है, उसका इंटरव्यू भी आने वाला है, तो मैं उससे पूछा भाई क्या इंटरव्यू पूछे, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, उसको मैं अपने नोट्स के अंदर भी ऐड करता हूँ, और आप सबको भी बता देता हूँ। तो 11 पेज का PPT मेरा सफिशियंट है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। हाँ, काम करने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। यस सर। और बताओ कोई डाउट?
किसी और कोई डाउट है थम ऑन कर लो आराम से। हाँ बोलो सर रावत। थैंक यू सर। और क्या बोलते हैं रावत, सॉरी रावत से अब ज़्यादा कि अभी मैंने किसी को फीस तो बताया नहीं गुरुकुल का। गुरुकुल की जो फी है वो है 20,000 फोर मंथ की टोटल, जिसको आप 5,000 पे करके भी आप क्या बोलते हैं अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। और अपना जो यूनिक सिविल का UPI नंबर है, वो मोबाइल नंबर है, वो एक ही है, उसी पर करके भी स्क्रीन शॉट भेज दोगे, दैट इज़ सफिशियंट। सेकेंड थिंग, किसी को है कि सर थोड़े फी को कुछ कम हो सकता है क्या, तो वन टाइम में पे करने पर आपको 18,000 ही फी रहता है उसका। और ये फी इसलिए रहता है कि आप फोकस बना के अच्छे तरीके से 4 महीने लगे रहो कि यार हमने फी पे किया है, हमको बनना है। और ये मेरी गारंटी है, अगर आप डेडिकेशन के साथ हमने माइंड सेट को ट्रेंड कर दिए कि जो सर बोलेंगे मैं वो करूँगा, मेरी गारंटी है, ठीक है, आप 4 महीने के अंदर, 4 महीने मैं एक्चुअली लेता हूँ, पर 2 महीने ही सफिशियंट होता है, 2 महीने के अंदर आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लायक हो जाओगे, इसकी गारंटी मेरी है। और 4 महीने तो ऐसा है कि उसके बाद तो मुझे बोलना कि सर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, मुझे पता नहीं था, ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। और किसी कोई क्वेश्चन है पूछो। आलम कोई डाउट है, मयंक कोई डाउट है? हेलो सर। हाँ हाँ दत्ता बोलो, दत्ता बोलो। सर मैं मतलब पीवी इंडस्ट्री में स्ट्रक्चरल डिजाइन मतलब मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, करेक्ट, तो उसके लिए मतलब परफेक्ट होने के लिए मतलब कौन सा कोर्स मतलब मेरे लिए अच्छा होगा, मतलब एकदम परफेक्ट बनने गुरुकुल के लिए अच्छा नहीं है स्ट्रक्चर? उसके लिए गुरुकुल ये BIM नहीं करना चाहिए तुमको, PE में जाना है। तो PB के लिए अपने देखोगे ऐप पर एक पर्टिकुलर कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, PB का, अच्छा, जिसके अंदर अच्छा, स्टेट प्रो ईटैब्स, लेकिन स्टेट प्रो ईटैब वो वाला नहीं जो आप RCC के लिए जानते हो, स्पेशली फॉर PEB, ठीक है, एक कोर्स है, उससे तुम कंटिन्यू करोगे तो तुम्हारा काम बेहतर हो जाएगा। तुम्हें BIM में नहीं आना चाहिए, फिर वो PEB एक अलग इंडस्ट्री है, उसको पढ़ना चाहिए तुमको, ठीक है। उसका सिलेबस चाहिए होगा तो मुझे अलग से तुम अच्छा, मैसेज मैसेज अच्छा, कर देना, मैं भिजवा दूंगा। बोलो। ठीक है सर, मतलब और ये मैं जानना चाहता हूँ PEB इंडस्ट्री में मतलब बाहर मतलब अच्छा फील्ड होगा कि मतलब सिविल के जैसा अच्छा फील्ड होगा क्या मतलब PEB? PEB बहुत अच्छा फील्ड होगा, उसका रीजन बताऊँ क्या? रीज़न ये है कि PEB के अंदर बहुत ढेर सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि वो जो नई नई हो रही हैं। और अगर तुम अभी इस समय देखोगे तो RCC स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम चल रही है, सारे लोग RCC स्ट्रक्चर्स में मूव ऑन हो रहे हैं, ठीक है। PEB एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर लोगों की संख्या कम है, और PEB कहते क्या, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स, जो कि बनी बनाई हुई, जिसमें टाइम बचता है ना, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आगे बहुत ग्रो करने वाली है। आप सीधी सीधी बात है, अगर मैं कोई इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, मुझे वेयर हाउस चाहिए, तो वेयर हाउस किस चीज़ का होगा? PEB का होगा। एयरपोर्ट बना रहा हूँ तो एयरपोर्ट पे जितना वर्क होगा सब PEB का होगा। कहाँ से आएगा? PEB इंडस्ट्री से आएगा। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, हर जगह PEB की रिक्वायरमेंट है। सो PEB का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मैं जा रहा हूँ दूर। अच्छा। PEB और BIM का कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है, ये दोनों बूइंग इंडस्ट्री है, मतलब इनका बूम बहुत अभी आया है और आएगा, मतलब इन फ्यूचर मतलब बहुत अच्छा फील्ड होने वाला है PEB। अच्छा, ऑलरेडी इस समय है, तुम सर्च करो ना, मेरी बात मत मानो, गूगल पे सर्च करो PEB जॉब्स, और उसमें पैकेज देखो, तुम्हें खुद आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का डिमांड है इसे मार्केट में। और डिमांड तो ऐसी है कि लोग नहीं है, ठीक है, चलेगा। रावत का अच्छा, एक और क्वेश्चन, मैंने एक्चुअली सर आपका कोर्स देखा था कंप्लीट PEB का, करेक्ट, हाँ हाँ बोलो ना, कोर्स था वो एक उस पे ऐप पर है ना, आपका PEB एक मतलब कोर्स देखा था PEB का, करेक्ट, हाँ, 7,000 का, तो उसमें मतलब उसके अंदर में क्या क्या मेरे को सीखने को मिल जाएगा? मेरा मतलब मुझे को सीखना है टेक्ला हो गया, ऑटोकैड हो गया, ये सब मिल गया क्या सीखने में? उसके अंदर ऑटोकैड नहीं है, ठीक है, वो डिजाइन का कोर्स है, डिटेलिंग का नहीं है, डिजाइन का है, तो ड्राफ्टिंग का नहीं है, सॉरी, तो डिजाइन मतलब स्टेट प्रो है, ETFs है और टेक्ला है, ठीक है, जो मार्केट की डिमांड है। ऑटोकैड नहीं है उसके अंदर, हमारा प्लान चल रहा है जल्दी ऑटोकैड पे वर्क करेंगे, बट अभी नहीं है ऑटोकैड, क्योंकि ऑटोकैड का अच्छा, और मतलब ये कितने महीने का ड्यूरेशन है कोर्स? तुम्हारे ऊपर है, लगभग तुम 2 महीने में रेडी कर सकते हो, अपने आप को परफेक्ट कर सकते हो PEB के लिए, 2 मंथ्स। अच्छा, मतलब 2 महीने में परफेक्ट हो जाएगा? 2 महीने में आराम से परफेक्ट हो जाओगे। और कोई क्वेश्चन चलेगा? कुछ विनायक कुछ पूछना चाह रहे हैं, और क्लास की टाइमिंग बता दूँ, सॉरी विनायक जस्ट एक मिनट बता दूँ, क्लास की टाइमिंग बहुत अच्छी है, रात में 10 से 11:30, कोई डिस्टरबेंस नहीं, आराम से शांति से आप क्लास ले सकते हो। हाँ विनायक बताओ। सर मैंने मास्टर डिप्लोमा करा है सिविल डिजाइनिंग कोर्स में, ऑटोकैड डिप्लोमा करा है कोर्स। ओके,
डिप्लोमा इसमें ये जो क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर्स में, हाँ सॉफ्टवेयर में। वैसे इसमें सॉफ्टवेयर्स में कोई रजिस्टर्ड डिप्लोमा नहीं होता है, बट ठीक है तुमने कुछ सॉफ्टवेयर्स का बल दो तीन सॉफ्टवेयर सीखे होंगे तो उसका सॉफ्टवेयर डिप्लोमा हो गया मान लो। हाँ ठीक वही वही तो उसमें ऑटोकैड 2D रिविट आर्किटेक्चर स्टैडी टैब और नेविस वर्क ये है। करेक्ट करेक्ट वो स्टैड अब स्टैड प्रो और ई टैब जो है तो वो दोनों मेरे गलत हो गए सॉफ्टवेयर चुनने में, मतलब गलत डायरेक्शन की वजह से, गलत सजेशन की वजह से वो हो कोई गए। बात कोई बात उन्हें परफॉर्म करने के लिए बेसिक नॉलेज आपका स्टील में मतलब मैथमेटिक्स में वो क्लियर होना चाहिए। ओके करेक्ट। और देखो क्या होता है, लोग क्या करते हैं ना, लोग जैसे स्टैट सीख लिए, अब स्टैट सीखने से पहले तुमको उसका इफेक्ट पता होना चाहिए ना कि सिस्मिक इफेक्ट आएगा तो बेस ईयर कैसे मूव होगा, बेस ईयर कैलकुलेट करेंगे कैसे करेंगे एच इनटू डब्ल्यू, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती, हमें सिर्फ टूल पता होता है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी सिचुएशन यही है कि सॉफ्टवेयर तो अच्छे से पता है कि कैसे रन करना है, कैसे एरर्स निकालने हैं ये वो, जो इनपुट लगता है जैसे डेड लोड कहाँ पे लगाना है और वो करेक्ट कैसे कैलकुलेट करके लगाते हैं वो नहीं है। तो करेक्ट अभी स्टैड और ई टैब को मैंने ड्रॉप आउट कर दिया है और रेविट पे फोकस कर दिया है 2 महीने से। तो करेक्ट उसमें रेविट और ऑटोकैड में मेरा मानना है कि मतलब अच्छे से सेट हो रहा हूँ अभी तक, लगभग 2-3 प्राइवेट प्लान्स भी मतलब वर्कआउट कर चुके हैं मैं उस पर। करेक्ट और अभी ऐसा है कि मतलब रेविट में 3D एक्सटीरियर और इंटीरियर इसी में करना है मुझे आगे चल के, तो करेक्ट एज अ फ्रीलांसर भी करना है और कंसल्टेंट के नज़रिए से भी करना है। करेक्ट। तो उसमें यही कि आगे क्या क्या करना होगा उसका। कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करके बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाओ, और पोर्टफोलियो बनाने के बाद तुम्हें अपना बिजनेस करना है, ठीक है। हाँ पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो बनाने के बाद किसी एक विशेष जो इस इंडस्ट्री के तुम्हारे यहाँ के जो सबसे अच्छे लेवल के काम कर रहे हो उनके यहाँ पर हाँ जॉब करने की कोशिश करो, जॉब करके उनके यहाँ से सीखो काम को। कभी भी एक्साइटमेंट में आके जस्ट सीख के, जैसे मैं जनरली लोगों को देखता हूँ कि सपोज तुमने तुम्हारी बात नहीं, बस बहुत से लोग ना जैसे कहीं पे जाके किसी इंस्टीट्यूट में कुछ सीखा फिर उसके बाद वो अपना स्टार्ट कर देते हैं और उनके क्वालिटी में प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होती है, तो जब प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी तो मार्केट तुम्हारे ऊपर एक तो अंदर से जो कंपटीटर वहाँ सेंगे, और सीधे हाँ सीधी बात है आज के टाइम में क्वालिटी की वैल्यू है ना। तो पहले करेक्ट ठीक है मैंने ऐसे कई ढेर सारे में मुझे व्यवसाय बहुत पहले मैं थोड़े बहुत किया, तो मेरे पिताजी ने मुझे सजेशन दिया कि अगर तुम किसी व्यवसाय को करना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो बनिया कैटेगरी के होंगे, तो बोले कि आप किसी भी ऐसे इंसान के पास जाओ जो उस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहा हो, उसके यहाँ कम से कम 1 साल 1.5 साल काम करो। उस समय तो मुझे लगा पिताजी को क्या पता हम कर लेंगे, हमें तो सब पता है, और हमने जैसे ही किया वैसे ही गिरे, और गिर के ऐसा गिरे कि क्या बताएं। तो कुल मिला के याद रखो कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री के में जाना चाहते हो पहले उस इंडस्ट्री के जो बूम लोग हैं उनको देखो, उनके काम को देखो और वो कैसे कर रहे हैं वो सीखो, फिर अपना अप्लाई करो, ओके ठीक है। मैंने 5 साल जॉब का किया है, फिलहाल 5 साल ज़्यादा है, 2 साल सफिशियंट होता है, पर मेरे पास पैसे नहीं थे अपने काम को स्टार्ट करने के लिए और लोगों को हायर करने के लिए, इसलिए मैंने 5 साल किए। आपको सजेशन ये दूंगा कि आप कम से कम 5 साल लगाइए, और सर रेविट के बाद 3D में सपोर्टिव के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर, नेविस वर्क तो हो गया बट उसके लिए सेटअप बहुत बढ़िया लगता है तो। देखो मेरा मानना ये रहता है कि मैं ना ऐसा मानता हूँ कि 10 अलग अलग सॉफ्टवेयर को सीखने से अच्छा एक सॉफ्टवेयर में अपनी मास्टरी पकड़ लो, ठीक है। जैसे कि तुमने रैबिट पकड़ा हुआ है तो रैबिट एक्सटीरियर के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है, इंटीरियर के लिए 3ds Max है, केवल इन दोनों सॉफ्टवेयर को फोकस करो, और ऑटो कैड आप जितना इधर उधर घूमोगे उतना कंफ्यूज। मैं देखो मैं क्या बोल लोगों को, अभी तुम लोग की ट्रेनिंग जो कराऊंगा 4 महीने, इसमें मेरी मेरी मेरा फोकस क्या रहता है, मेरा फोकस रहता है सबसे पहले ऑटो कैड, तो भाई फाउंडेशन में मानता हूँ उसको, जिसका फाउंडेशन अच्छा नहीं उसका बिल्डिंग कैसे अच्छा होगा, तो ऑटो कैड तो कराना ही कराना है, उसमें स्ट्रक्चर डिटेलिंग रेरा वास्तु बहुत सी चीज़ें हैं, वो पूरा डिटेल सिलेबस ग्रुप में दिया हुआ है, बट मेरा मेन फोकस होता है रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट MEP, टेक्ला और नेविस वर्क। अब लोग सर स्केचअप पे और 3ds Max पे क्यों नहीं रहता, भाई वो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। तो हमें मेन सॉफ्टवेयर्स पर फोकस करना है, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स तो आदमी जब वही हो गया कि जब आपने अच्छे तरीके से बुलेट चला ली तो भी बाइक कौन सी बड़ी चीज़ है ना, करेक्ट हो, ठीक है। तो थैंक वो आप उस फोकस चलेगा। और कुशाल कुछ सॉरी कुशल कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद आदिल भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुशल पूछ ले उसके बाद आदिल पूछ लीजिए। हेलो सर, यस कुशल बताइए।
हाँ जी, मैं बोल रहा था कि मैं अभी फ़िलहाल यूके में मास्टर स्टडी कर रहा हूँ, ग्रेट, तो उसमें हमारा अभी जब भी मैं पोर्टफोलियो बनाता हूँ तो उसमें आई थिंक मैंने आपके ही एक वीडियो में देखा था कि वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए, आप जहाँ पे भी जॉब अप्लाई कर रहे हो। तो अगर स्टैंडर्ड्स के मीनिंग में पोर्टफोलियो में अगर बना रहा हूँ तो मेरे को यूके के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना पड़ेगा, या यूके में जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन होता है उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, करेक्ट। या फिर इंडियन के हिसाब से नहीं होगा देखो तो? क्या होता है, कोई भी जब स्टैंडर्ड्स निकलता है ना तो वो एक जगह से निकलता है। जैसे कि अगर तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है और वो इंग्लैंड में लॉयर है, ठीक है। तो मुझे बताते हैं ओके, कि जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया ठीक का है, है। ठीक है। बस थोड़ी सी चेंजिंग्स होती है, थोड़ी बहुत चेंजिंग्स होती है। तो अगर आप, जैसे कल एक लड़का मुझे पोर्टफोलियो दिखाया, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो था उसका, पर उसने टेक्ला सॉफ्टवेयर का भी उसको बहुत अच्छा नॉलेज था। अब उसने टेक्ला ऐड नहीं किया था उसमें, तो मैंने उसको बोला कि कम से कम एक टेक्ला का इमेज इसके अंदर डाल दो, जिससे कि सामने वाले को यह आभास हो जाए कि इसको टेक्ला भी आता है, क्योंकि इतना मेहनत किया है तुमने 1 महीना से एक टेक्ला पे, समझ रहे हो। तो तुम अपना पोर्टफोलियो बनाओ, उसमें कम से कम एक से दो ऐसी चीज़ें डाल दो जो कि यूके यूएस स्टैंडर्ड्स को मैच करती हो। तो अब उससे क्या होगा कि उनको ये फिट होगा, इसका इसको ये भी आता है। मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड मल्टीपल वर्क करने वालों का है, ठीक है। अगर तुम बोलोगे मैं केवल यही स्टैंडर्ड जानता हूँ, ये गलत होगा। तुम बोलोगे ये भी जानता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो एक दो ओके। प्रोजेक्ट डाल दो, दैट इज सफिशियंट। और अगर एज मैं अभी एज अ फ्रेशर हूँ, मतलब मेरे को एक्सपीरियंस इंडिया में नहीं था इतना, तो अभी मैं ऐसा पूछ सकता हूँ कि अगर आपका जो ये गुरुकुल बैच है बीम का, तो उसमें मेरा जो पर्टिकुलर इधर कोर्स है ना मास्टर्स में, उसमें मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सॉफ्टवेयर का और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं था। तो अगर मैं ये कोर्स करता हूँ इंटर्नशिप, तो उसमें मुझे ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिलेगा कि मैं अपने रेज्यूम में रख रख के, और उतना इनफ स्किल डेवलप होगा मेरा कि मैं एज अ फ्रेशर इंटरव्यू क्रैक कर सकूँ इधर? यहाँ पर फ्रेशर तुम रह ही नहीं जाते हो, उसका रीज़न बताता हूँ, ओके okay. ठीक है। यहाँ पर अभी अपने कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं, तो उनको पता है हम लोग पूरे ट्रेनिंग में करीब करीब 35 से 40 प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, ठीक है। और 35 से 40 प्रोजेक्ट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, उसमें से मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो रहेंगे वो लाइव रहते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो हम आपको एक 6 मंथ का इंटर्नशिप लेटर देते हैं, ठीक है। दैट इंटर्नशिप प्रेजेंट कि आपने 6 मंथ मेरे अंडर गाइडेंस में चीज़ों को किया हुआ है ना, तो जब मेरे गाइडेंस में ओके आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है, उस प्रोजेक्ट का प्रमाण आपके पास है, तो आप फ्रेशर नाम की कोई चीज़ की बात ही नहीं रह जाती है, पहली चीज़। तो इसलिए मैं आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप लेटर देता हूँ, उसके बाद इंडिविजुअल हर सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेशन भी देता हूँ, बट ये सबको नहीं मिलता है, ये भी जान रखो। इसके लिए आपको एक बहुत बेहतर सा प्रोजेक्ट करना पड़ता है, जिसके लिए 15 दिन मैं आपको देता हूँ, जिसमें हर सॉफ्टवेयर को यूज करना होता है। तो आप प्रमाण दिखाएंगे कि मुझे हर सॉफ्टवेयर आता है, हेल्प मैं करता हूँ बट करना आप ही को है। तो उसमें आप ऑटोकैड से प्लानिंग करोगे, रेविट पे मॉडलिंग करोगे, रेवि स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर डिटेलिंग करोगे, फिर एमईपी पर डक्टिंग करोगे, फिर उसके बाद टेक्ला पर उसके पार्किंग वगैरह को बनाओगे, पूरा मिक्स करके ये नेविस सॉरी इंस्केप पर अपना रेंडर करोगे, नेविसवर पे क्लैसिंग चेक करोगे। वो जब आप मुझे सबमिट करते हो, तब हमें भी सीधी सीधी बात है कि अभी कुशल यूएस में जा रहे हैं, अभी यूएस से आप भले इंडिया के किसी भी कंपनी में जाते हो, आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो, पता है कि नहीं, ठीक है। अभी कल एक लड़के का सिलेक्शन हुआ द बीम इंजीनियर्स में, शायद वो लाइव भी देख रहा होगा वो इस वीडियो को, या देखेगा। आपको बताऊं कि उसका स्टेटमेंट ये था कि वहाँ का जो टेक्निकल बंदा इंटरव्यू ले रहा था, उसने क्या इंटरव्यू में बोला, यूनिक्स सिविल के बंदे अच्छे होते हैं। अब सोचो, वो उससे उसका सबसे बड़ी बेनिफिट उसको क्या हुआ, उससे ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं पूछा, उसको बस ये एक्सपेक्टेशन था कि सर के पास अगर इंटर्नशिप करके आया है तो ये बेहतर ही होगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या समझ सकते हो कि कितनी बड़ी क्रेडिट हो गई ना ये, हाँ वो सही है। ठीक है। तो मैं आपको ऐसे जाने ही नहीं दूंगा, ऐसे आप गए तो मैं सर्टिफिकेशन ही नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि सीधी सीधी बात है, मेरी पहचान तो मेरे काम से है ना, हाँ ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर तुम इंटर्न, मतलब कि तुम फ्रेशर तो रह ही नहीं जाते हो, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड सीख जाते हो, तुम इतना अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हो, तो फ्रेशर तुमको कोई कैसे बोल सकता है, ओके। और जैसे आपका ये बैच 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ट्वेंटी से और ट्वेंटी से मेरा इधर जो कोर्स कंप्लीशन है ना, वो 20 डेज बाद है, अराउंड 20 डेज और 15 डेज के बाद है। तो
वो 15 days तक मैं शायद जो आपने जो भी डेडिकेट टाइम चाहिए उसके लिए वो मैं शायद ना दे पाऊँ, क्योंकि अभी मैं फिलहाल अपने डिसर्टेशन कर रहा हूँ, तो उसके बाद में अगर कंटिन्यू कर सकता हूँ। नहीं, मेरा सजेशन रहेगा कि उसी समय कंटिन्यू करो, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो 20 days तो तुम्हारा ऑटोकैड पे जाने वाला है, ठीक है। तो ऑटोकैड के टाइम पर स्टार्टिंग के 5-6 दिन तो मैं खुद आपको बहुत स्लो स्लो लेके चलता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मेरा ये मानना है कि अभी देखो, हो सकता है मयंक को बहुत ज़्यादा आता हो, कुशल को बहुत कम आता हो, आदिल को मीडियम आता हो, एकांश को एकदम एक्सीलेंट आता हो, पर मेरा काम क्या है, सबको साथ लेके चलना है ना। तो मैं स्टार्टिंग के कम से कम 10 दिन तक बहुत स्लो स्लो जीरो से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ऑटोकैड के बेसिक आते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत नॉमिनल टास्क रहता है। आदर सभी देखो कमेंट कर रहे हैं, तो आदर सभी स्टूडेंट हैं अपने स्ट्रक्चर्स बैच के, ही नो कि 10 दिन तो मैं सिर्फ वार्म अप कराता हूँ, ठीक है। जिससे कि सबको ऐसा नहीं लगना चाहिए आदिल को कि यार ये तो बहुत हाई लेवल हो गया, या मैं इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए तो बहुत लो लेवल हो। मैं सबको बता देता हूँ कि आप जीरो बन के आओ और हीरो बन के जाओ, ठीक है। तो 10 दिन तो तुम मैनेज कर सकते हो। अगर ऑटोकैड आता है तो ज्वाइन करना, ऑटोकैड नहीं आता तो फिर मत ज्वाइन करना, नहीं तुम्हारा लॉस होगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। मतलब उसमें कभी कभी ऑनलाइन सेशंस अगर मैं अटेंड नहीं कर हाँ, पाया कोई जस्ट दिक्कत बिकॉज नहीं, ऑफ टाइम जोन डिफरेंस, तो वो मैं तुम अगर रिकॉर्डेड तुम देख सकता हूँ। बता सकते हो ना कि सर मेरा इस टाइम पे प्रॉब्लम है, तो तुम इन्फॉर्म करके कर रहे हो। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बिना इन्फॉर्म किए अगर कोई भी 80% से कम अटेंडेंस देता है तो मेरे तरफ से उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता सपोर्ट? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए 80% से कम अटेंडेंस हम अलाउ ही नहीं करते हैं। अगर कोई कर रहा है तो उसकी खुद की प्रॉब्लम है, हम सर्टिफिकेशन नहीं देंगे। हमारा सर्टिफिकेशन आज के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया है ड्यू टू योर ओन वर्क, ठीक है। और कोई सॉफ्टवेयर पहले से नहीं आना चाहिए, जीरो से मैं ऑटो कैट से स्टार्ट करता हूँ आदिल। ऑटो कैट में लाइन कमांड से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी आदर्श हैं, आदर्श को पता है कि हमने एक 20 mm की लाइन भी हम खुद आपको बताएंगे कि यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। ये भी बताएंगे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आया कहाँ से, रेविट आया कहाँ से, पूरा डिटेल हम बताएंगे। और कोई क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लो। नाउ दैट्स इट सर, थैंक यू। ओके ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मयंक का, और उसके बाद शुभम, सॉरी मयंक रुक जाना 1 मिनट, आदिल को मैंने बोला था, आदिल के बाद आपका क्वेश्चन लेता हूँ। आदिल, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? आदिल, यू हैव एनी क्वेश्चंस? शायद इनको अभी क्वेश्चन या फिर माइक इशू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयंक आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? शुभम आप भी? हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुभम थोड़ा रुक हाँ जाना, जी मयंक सर, का सर क्वेश्चन पूछ मेरा लें इसके बाद। तो हाँ मयंक बताओ। कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि मुझे मैंने तो पता कोर्स है। कर ही लिया है आपका, तो काफ़ी सारे डाउट्स मेरे क्लियर ही है। बट अभी मैं अभी यूके का जो तुम्हारा जॉब अभी क्या मार्केट चल रहा की है? जो वो बात कर रहा जॉब हूँ। ज्वाइन किया कि नहीं उधर हाँ जी सर, यूके में? जॉब ज्वाइन किया कि नहीं तुमने? नहीं, मतलब अभी करना ही है, इसके लिए मैं बहुत टाइम से आपको मतलब कॉल करने का ट्राई कर रहा अरे था। मैंने कुशल को भी इसलिए रिकमेंड किया आपका ये कोर्स, वो बोल रहा किसको? था उसका, ये कुशल जो अभी है अच्छा ना जो कुशल, ग्रुप था ओके। अरे वो मेरे को। मैं कुशल को बोलने वाला था कि क्या हाँ बोलते हैं, मैं अपना स्टूडेंट है, मेरे दिमाग में जस्ट आ ही रहा था तब तक। नहीं हाँ बोलो बोलो। मतलब मेरा सॉफ्टवेयर पे ऑलरेडी कमांड था ना, तो उसने मेरे को पूछा कि तूने हाँ कहाँ से सीखा, तो मैंने ही उसको रिकमेंड किया कि ये जो यूनिक सिविल करके जो यूट्यूब चैनल है ना, पहले उसके वीडियो देख, अगर तेरे को अच्छा लगता है तो तू ज्वाइन कर ले, मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है ये बीच सीखने का। ये वाला जो ये वाला तो स्टेटमेंट बहुत अच्छा दिया, जो मैं भी यही बोलता हूँ सबको, अच्छा लगे तो करो, हाँ, ठीक है, किसी और को नहीं नहीं सर, करना। उसने भी मेरा रिजल्ट देखा जो मैंने अभी हाँ इधर आके जो भी मतलब जो बनाए थोड़े मॉडल्स वगैरह, तो भी उससे काफी इन्फ्लुएंस नहीं, होके देखो मतलब क्या होता है वो। ना मैं, कि ये तुम्हारा ही परफॉर्मेंस होता है, एक्चुअली मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। रोल तुम्हारा होता है कि तुमने डिसिप्लिन मेंटेन करके प्रैक्टिस कर लिया, है ना। तो तुम्हारा परफॉर्मेंस है और वो तुम्हारी क्रेडिट होती है, नो डाउट हमारा गाइडेंस होता है, ठीक जी है। सर, और बट सर बताओ। मेरा अभी क्वेश्चन ये है कि अभी मैं अभी इधर यूके के मार्केट में अभी जॉब सर्च करने का अभी मैं स्टार्ट किया है, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स जो वो लोग मांगते हैं ना, तो उसमें वो एक तो मिनिमम नॉलेज ऑफ ISO 19650 जो बीम का जो स्टैंडर्ड है वो, फिर एक BEP करके जो बीम एग्जीक्यूशन प्लान और बीम प्रोसेस। तो अभी जो ये जो टर्म्स है सर, मतलब सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग तो मुझे कोई अभी समझे। डाउट है नहीं, बट अभी ये जो स्किल्स
स्किल्स मांग रहे हैं उसको अभी कैसे पॉलिश कर सकते हैं, मतलब क्या है, अभी क्या करें कि हाँ कि ये रिक्वायरमेंट भी हम फुलफिल कर सके। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया है, बीम प्रोसेस को अपने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, जैसे कि तुमने जब जिस समय किया था वो लॉकडाउन के टाइम पे किया था, तो कोई याद ही होगा, फर्स्ट बैच थी तुम लोग की, राइट? ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया है, उसको अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेड क्यों कर दिया है, पहले तो लिमिटेड टाइम होता था, अभी क्या कर दिया है कि कोर्स को आप, मतलब जो वीडियो चीज़ें हैं, जो सिंपल चीज़ें हैं, वो तो आप कोर्स से पढ़ लेते हो, ठीक है, बाकी जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम लाइव क्लास में करा देते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, ज़्यादा टाइम हो जाता है अभी, तो इसलिए अभी थोड़ा सा कोर्स को तरीका बदल दिया है। तरीका ये कर दिया है, इसमें पूरा जो बीम का प्रोसेस है, ठीक है, उसके बाद जो अपना स्कैन टू बीम है, ठीक है, बीआईएम 360 है, वो सब इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, तुम्हें करना होगा तो तुम कर लेना, तुम्हारा कोई फी नहीं रहेगा, तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, अभी बहुत कुछ अब इसमें अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, तुम अपडेट सिलेबस देखना तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें तुम्हारी कवर हो जाएंगी, नो डाउट। अभी देखो इसके अलग अलग क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है, अभी सीधी सीधी बात है, थ्योरेटिकल पार्ट में जाओगे तो बहुत कुछ है ना, तो उसमें से कई ढेर सारी चीज़ें हमने कट करके अपने सिलेबस के अंदर लेटेस्ट वाले में ऐड कर दिया है, तुम चाहो तो तुम उसको कर सकते हो। और सर ISO का मतलब पूरा उधर इंडिया में भी उसी तरीके से काम होता है, क्योंकि इधर तो मतलब 7D तक 7 अलग अलग कोड है अपने स्ट्रक्चर्स में, कैसे होता था अभी इधर भी, मतलब हाँ वो स्टैंडर्ड वहाँ पर है, बट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अभी ना हम अभी हमारे कुछ स्टूडेंट बेल्जियम के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हमें वहाँ पर ना बेल्जियम वाली जो कंपनी है ना, वो कंपनी अभी हमें डायरेक्ट ही बोलती आ रही है कि आप मुझे कैंडिडेट देते जाओ। ठीक है, तो उनके जो स्टैंडर्ड हैं उन्होंने अपने दे रखे हैं हमें, ठीक है, उन स्टैंडर्ड्स को हम यहाँ पर ट्रेंड कर दे रहे हैं। उसके अलावा एक कंपनी यहाँ पर है, एक या दो कंपनी है पुणे में, जो कि सेट कर रखी है कि हमें BS स्टैंडर्ड्स चाहिए। ठीक है, तो उनके BS स्टैंडर्ड्स के 2-3 कोर्स हैं, उनको चाहिए डिटेलिंग के लिए, टेक्लम जो यूज़ होता है वो हमने ऐड कर दिया सिलेबस के अंदर। UK के सारे स्टैंडर्ड्स नहीं है, बट अगर तुम लोग आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, उसको भी ऐड कर दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। अगर सर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारा थियोरेटिकल मटेरियल तो बहुत सारा पढ़ा है, बट अभी उसको, हाँ, बट उसको अभी किस तरीके से पढ़ना है, उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है, वो अभी मेरे को कोई आइडिया ही नहीं। देखो क्या होता है, जैसे BS कोड है, जैसे बेल्जियम का कोड है, ठीक है, जब मैंने BS कोड पढ़ा पहली बार, तुमको बताता हूँ, तो मैं पहली बार जब BS कोड पढ़ा तो मुझे कुछ नया ही नहीं लगा। रीज़न ये था, मैंने SP34 SP16 इतना पढ़ लिया था कि मुझे सारी चीज़ें तो क्लियर थी। ठीक है, बस वहाँ पर क्या हो रहे थे, उनके साइजेस चेंज हो रहे थे, ठीक है, स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे थे कि स्लैब का थिकनेस उनका इतने से स्टार्ट होता है, हमारा इतने से स्टार्ट हो रहा था। तो कुल मिला के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं हर कंट्री के लगभग सिमिलर फॉर्म करते हैं। तो अभी मैं बेल्जियम का जब मैं कर रहा था तो वहाँ के सिर्फ वॉल की थिकनेस बदल रही थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल रही थी, बट मुझे मज़ा ये आता है कि जब कुछ नया चीज़ें आती हैं ना, जैसे तुमने बोला ना कि सर इसको ऐड करेंगे, मुझे कितनी खुशी होगी कि मेरा भी अपग्रेडेशन हो रहा है इसमें, है ना। तो इसलिए तुम अगर तुम लोग आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं खुद ऐड करने की कोशिश करूँगा, मुझे भेजना, ठीक है, और उसको अप्लाई करके यहाँ पर भी लोग सीखेंगे। ओके सर, मेल करूँ या आपको व्हाट्सएप पे भेज दो? व्हाट्सएप पे भेज दो सर। आपको वैसे कौन सा टाइम पे आपको पर्सनली मैं कॉल कर सकते हैं? 11 बजे से 12 बजे तक। क्या दिक्कत क्या हो गया, मैं कभी बताता हूँ, अभी ना अपने पास 11 एम्प्लॉई हो गए हैं टोटल, ठीक है, ओके। अब 11 एम्प्लॉई को मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तुम खुद समझो, अकेला पर्सन हूँ तुम्हें तो सब पता है, प्लस मैं देसी टाइप का आदमी हूँ, तो मुझे मतलब सारी चीज़ें थी, मतलब ऐसे मतलब ओरली ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा वो सॉफ्टवेयर वगैरह पर मैं नहीं रहता हूँ, तो इसलिए 11 बजे से 12 बजे तक थोड़ा सा फ्री टाइम रहता है, और गुरुकुल की बैचेस अपनी 7 से 8 घंटे रहती हैं, तो थोड़ा टाइम पैक चलता है। तो अभी ज़्यादातर तो लोगों को कॉल मैंने नहीं किया होगा, शायद अगर कोई कॉल किया भी होगा तो टीम से किए होंगे। और अभी क्या हो गया, अपना कंस्ट्रक्शन का भी काम काफ़ी अच्छा हो चुका है, मतलब टच वुड, ठीक है, तो डिज़ाइन की अपनी मार्केट अच्छी हो गई, इसीलिए ना ज़्यादातर अपनी जो प्रैक्टिस प्रोजेक्ट हो रहे हैं ना वो लाइव ही हो रहे हैं, ठीक है, तो गुरुकुल वाले लोग बहुत हेल्प कर दे रहे हैं, क्यों, डिज़ाइन आप लोग बना देते हो, ठीक है, एक थोड़ी वो जो फिनिशिंग रहती होती है दूसरों से करवा के प्रोजेक्ट को सबमिट कर देते हैं, तो इसमें तो बेनिफिट सब रहता है। जॉब भी साइमल्टेनियसली चालू, जॉब लेफ्ट कर दिया ना, जब तुम लोग कर रहे थे तब मैं जॉब कर रहा था, अभी मैं जॉब को 1.5 साल हो गया, जॉब मैंने फुल टाइम छोड़ दिया जॉब को, तो इसीलिए मैंने बोला कि भाई ना थोड़ा सा टाइम बहुत पैक हो गया, जब सोचा था कि जॉब छोड़ने के बाद टाइम ही टाइम होगा, बट ये सबसे बड़ा गलती थी, ठीक है, जॉब छोड़ने के बाद और टाइम पैक हो गया। लेकिन इसमें तुम करो, तुम लोग आ रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं ना क्या करूँगा उसमें US के स्टैंडर्ड्स तुम हमें दे देना, हम उसको भी इसमें करा देंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ओके सर, ओके, चलो मुझे अच्छा लगेगा तुम लोग आओ, ठीक है, ओके, चलो आदिल कुछ बोलना है, शुभम कुछ बोलना है, थोड़ा अगर जल्दी कर दोगे तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है, शुभम कोई डाउट है?
सर मैं आपका ये बीम जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है करेक्ट, यू ऐप में सर, हाँ उससे मैं सर स्टडी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस भी ठीक कर रहा हूँ, है, ओके तो मेरे लिए सर ये गुरुकुल किस हिसाब से सर वो ओके। बेनिफिट होगा? पहली चीज़ बता दूँ, अच्छी चीज़ तुमने इससे याद दिलाया मुझे, कि जिन्होंने भी गुरुकुल का कोई वीडियो कोर्स लिया, और सॉरी BIM का वीडियो कोर्स ऐप से लिया हुआ है, उनकी जो फी वहाँ पर उन्होंने पे किया है गुरुकुल में माइनस हो जाती है। दूसरी चीज़, तुम अगर वीडियो कोर्स लिए हो तो बहुत ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत नहीं है गुरुकुल में आने की। गुरुकुल में तुम्हें तब आना चाहिए कि अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही, ठीक है, और तुम्हें इंटरव्यू के फियर्स लग रहे हैं कि यार इंटरव्यू में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूंगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, MCQ में क्या पूछेंगे, या फिर टूल टेस्ट देंगे तो क्या पूछेंगे, इस तरीके की प्रिपरेशन करनी है, तभी आओ। अदरवाइज दैट वीडियो कोर्स इज एक्सेलेंट, नॉट रिक्वायर्ड एनीथिंग एल्स। बट ये जो चीज़ें हैं, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, लाइव इंटरेक्शन, जिसमें आपको ये पता चलता है कि जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ गलतियाँ क्या है, ठीक है। तीसरी चीज़ कम्युनिटी पावर, कम्युनिटी पावर मतलब यहाँ पर आप एक दूसरे से डिस्कशन करके बड़े नॉलेज को, अभी आदर्श के बैच में मैं देख रहा था 200 चैट पड़े हुए थे, क्या मस्त डिस्कशन ये लोग कर रहे हैं, मतलब एक का एरर आया हुआ है दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर इनका तुम्हें इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, तब तुम्हें आना चाहिए, अदरवाइज अगर तुम खुद बहुत कंसिस्टेंट हो तो नॉट रिक्वायर्ड। सर टाइमिंग क्या है गुरुकुल बैच की? टाइमिंग इसका है रात में 10:30, सॉरी रात में 10 से 11:30। उसका रीज़न ये होता है कि मेरे पास ज़्यादातर लोग जो होते हैं जॉब वाले होते हैं, और मैं खुद भी एक यस दिन सर, में बिजी रहता हूँ, तो मैं ज़्यादातर कुछ ज़्यादातर क्या है, 7 बजे से मेरा काम स्टार्ट होता है जब सबका बंद हो जाता है। यस सर, ओके सर, ओके। और डिसाइड किया इसमें एक चीज़ सर। और बेटर होगा कि अब जैसे कि तुम यहाँ पर आते हो, तभी जैसे कुशल हैं या फिर मयंक हैं या फिर आदिल हैं या फिर एकाश, कई लोग ना जॉब से कई प्रैक्टिकल चीज़ों पर काम किए रहते हैं, तो उनके भी एक्सपीरियंस को आप यहाँ पर देखते हो, यस ठीक है, तो यस उससे बड़ा लर्निंग मिल जाती है, ये बेनिफिट है, ओके सर, ठीक है। अमरेश कुछ बोलना है? साहू और आकाश भी वेट कर रहे हैं। सर हाँ हेलो अमरेश सर, बोलो, हाँ अमरेश बोलो। सर आपका जो यूनिक सिविल का आपके थ्रू में ऑटो कार्ड थोड़ी बहुत सीखा हूँ, मतलब करेक्ट प्लान एलिवेशन वगैरह थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन सर जो और भी आर्किटेक्चर और ये स्ट्रक्चर में जो हम मॉडलिंग करेंगे उसका कैसे आइडिया आएगा, मतलब वो अगर प्रैक्टिस करने से आएगा या खुद से डेवलप करना पड़ेगा? ओके। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इन द सेंस कि जब आप चीज़ों को देखते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लगने लगता है कि अच्छा हाँ ऐसा, तो भाई अभी मैं एक होटल में गया था तो बड़ा बहुत अच्छा होटल था। अब अपन क्या है, गरीब घर के बच्चे हैं, सीधे सीधे बात, लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, ठीक है, तो उस बैकग्राउंड से आए हुए, तो बहुत फाइव स्टार टाइप का होटल था, मुझे समझ नहीं आ रहा था वहाँ खाना क्या ऑर्डर करूँ। तो मैंने दो चार लोगों का देखा, ठीक ठाक ऑर्डर था, तो मैंने बोला सेम टू सेम ऑर्डर कर दो। तो मतलब लोकेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अभी अगर मैं उसी इन्वायरमेंट कर रहा होता तो मेरे लिए वो एक आम बात हो गई होती, राइट। अभी राइट मेरे लिए 250 रुपये की चाय बड़ी महंगी लगती है, मुझे सीधी सीधी बताओ, अपन 10 वाली पीते हैं। तो कुल मिला के जब मैं क्या बोलता हूँ लोगों को, ऑब्जर्वेशन करो। तो अपने पास कई ढेर सारे प्रोजेक्ट्स के सेट हैं जो मैं आपको देता हूँ, आप उनको बढ़िया से देखते हो चारों तरफ से, अच्छा ये कैसे बने हुए हैं, फिर जब वो ऐसे बनाना स्टार्ट करते हो, तो करीब करीब 15 से 20 प्रोजेक्ट्स तुम्हें ऐसा दूंगा जो कि पहले से बने हुए हैं, सिर्फ देख के बनाना है। उससे क्या होगा, अच्छा आइडिया लगा कि कुछ ऐसा हो सकता है। फिर जैसे ही 20 प्रोजेक्ट हो जाते हैं, फिर मैं बोलता हूँ अब हो गया तुम्हारा काम, अब उनको मत देखो, अब अपना क्रिएट करो। तो उस 20 में से हर एक में से केवल एक एक चीज भी पकड़ा, तो 21वें में सब नया हो गया, समझ हाँ गए। उसके बाद कुछ और जैसे कि साइट से, जैसे कि पिंटरेस्ट है, ठीक है, तो कई लोग जैसे अगर आप रेबिट बना रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, आपको आइडिया नहीं लग रहा है, सिंपल पिंटरेस्ट खोलो, उसके अंदर कई ढेर सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं साइज दे रहा हूँ, जैसे वो जब एक लाइव प्रोजेक्ट आया हुआ है, कल मुझे सबमिट करना है परसों, 30x50 का। अब 30x50 के कई प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, आप उनको देखो, उनका ऑब्जर्वेशन लो। किसी का बालकनी बहुत अच्छा लग रहा है, उसके बालकनी के डिज़ाइन उठा लो, किसी की रेलिंग बहुत अच्छी लग रही है, उसका उठा लो, ऐसे कट कट कर कर करके अपना एकदम नया मॉडल तैयार हो गया। और ये करते 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 फिर तुम्हारे दिमाग खुद ही आइडिया लगने लगता है, अच्छा ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। तो कुल मिला के ये प्रैक्टिस का गेम है अमरेश, तो सर एक्चुअली जितना हम देखेंगे क्या क्या मॉडलिंग उसने क्या बनाया है, करेक्ट, वेरियस टाइप आप देखेंगे तो आइडिया आएगा धीरे देखेंगे धीरे। नहीं बनाएंगे, उसको जीना हाँ पड़ता बनाए, है, ठीक है। अगर मैं मूवी देखा तो मूवी देख के शायद स्टोरी ज्यादा दिन याद नहीं रहेगी, भूल जाएगा, ठीक है, हाँ लेकिन हाँ उसी प्रैक्टिस मूवी तो को, चाहिए, हाँ उसी मूवी की स्टोरी अगर लिख लो एक बार, गारंटी देते हैं वो कभी नहीं भूलेगा। हाँ
ठीक है, तो कुल मिला के आपको ना ऑब्जर्वेशन करने के बाद उस चीज को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, एग्जीक्यूट कर दिया तो सरल रहेगा। मतलब खुद से एक बार भी ट्राई करना है कि वो कैसे बनाया है। और वो उस चीज में मैं क्या हेल्प करता हूँ, जो तुम ट्राई कर रहे हो नहीं बन रहा मुझसे बनवा लो, मुझे कहाँ से आया, क्योंकि मैंने कई ढेर सारे बना रखे हैं तो मुझे प्रैक्टिस हो गई, मेरे लिए आम बात हो गई। सर और एक डाउट था बोलो। सर, जो आर्किटेक्चर और टेक्ला ये सब वगैरह, ये सर 4 मंथ में टोटल को मतलब सॉफ्टवेयर का हर चीज टूल वगैरह कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे जो रियल टाइम में काम आएगा वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इसीलिए ना तुमको पहले ही बता दिया कि मुझे 5 घंटे डेली चाहिए, जिसके नहीं पास सर पांच आप बोलो बोलो। सर सर आप तो अब बोले ये लाइव में कि करेक्ट, 3 घंटे आप खुद से प्रैक्टिकल करेंगे मतलब प्रोजेक्ट के रिलेटेड बारे में। नहीं, नहीं समझ पाया, कंफ्यूज हो गया, बता देता हूँ। देखो हमने 200 घंटे की पहले से रिकॉर्डिंग करके रखी है, हमें पता है 4 महीने में हो नहीं सकता ये, ठीक है। तो अच्छा 200 घंटे की हमने रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, 1.5 घंटे में डेली आपके साथ लाइव रहूंगा, तो ये दोनों मिल जा रहे हैं ना, तो 1.5 घंटे लाइव हो गया, 1.5 घंटे रिकॉर्डिंग, 3 घंटे और 2 घंटे प्रैक्टिस। इसीलिए बोला कि 5 घंटे आपके पास है तब ज्वाइन करो, इससे कम है। देखो तुम चाहो तो मैं पूरा का पूरा लाइव ही करा सकता हूँ, पर लाइव में क्या होता है, मैं को अच्छे से पता होगा, इसने कंप्लीट किया है। लाइव में क्या होता है, स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो आप बहुत डेडिकेशन दिखाओगे, पर इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा कम से कम 8 महीने रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने 8 महीने को 4 महीने में कन्वर्ट किया, कैसे, उन दोनों को मिक्स करके, ठीक है, तो जिससे कि आपका सर टाइम अगर बचाए। सर अगर मैं 8 महीने का कोर्स को करेक्ट शॉर्ट में 4 मंथ में कर रहा हूँ करेक्ट, तो उसको पकड़ने में तो डिफिकल्ट तो आएगा। नहीं आएगा, ठीक है। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि हम आपको 5 घंटे आपसे ले रहे हैं ना डेली बेसिस पे, ठीक है। और ऑलरेडी इसमें तो मेरे प्रैक्टिकल कर रखा है, तुमको पता है कम से कम अपने पास इस समय 1,000 लोग तो लगभग ट्रेंडी हो चुके हैं, ठीक है। तो मैंने एकदम प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि आराम से हो जाता है। उसका तरीका ये है कि हम आपको खुद से लाइव प्रोजेक्ट में, लाइव जो पढ़ाते हैं उसमें कुछ प्रैक्टिस नहीं देते, प्रैक्टिस देते हैं जो रिकॉर्डेड है उसके हिसाब से। लाइव में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं जो इंटरव्यू को क्रैक करने का हेल्प करेगा। एक लाइव में हम प्रोजेक्ट ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं जैसे कि तुमको खुद से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेना है, Fiverr.com से, Upwork.com से कैसे लोगे, उसके लिए किस तरीके से तुम्हें कोटेशन देने पड़ेंगे कि रेडी हो, तो ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस की जरूरत तो है नहीं, ये सब तो सेट हो गया दिमाग में। प्रैक्टिस क्या करना है, जो मॉडल है, तो मतलब कुल मिला के करते हो तुम 4 महीने का ही काम, जो एक्स्ट्रा 4 महीने लगने थे उसको मैं क्लास में ही करा देता हूँ, मतलब ये रिकॉर्डिंग क्लास में। रिकॉर्डिंग क्लास में तो कवर हो जाता है, तो सर अगर रिकॉर्डिंग क्लास में कुछ डाउट वगैरह आएगा तो उसको लाइव क्लास में से आपको क्लियर लाइव करेंगे क्लास में आधा घंटा सिर्फ आपके डाउट्स के लिए ही है, सर। ठीक है। तो जो भी डाउट है आप आराम से पूछ सकते हो, और पूछते ही है लोग, ठीक थैंक यू है। सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। आकाश कुछ बोलना चाहते हो या तुम, तुम्हारे नाव राशि निकले, आकाश गोपे, मिस्टर आकाश, आदिल कुछ बोलना है, रहना कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ रहना बताइए, बड़ा मस्त नाम है यार आपका, रहना। यस सर, आई एम फ्रॉम यस इंदौर सर। ओके सर मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे BIM का कोर्स मैं लेती हूँ रिकॉर्डिंग वाला, तो उसमें सारे जो डाउट्स थे सारे मतलब बेसिक कंसेप्ट वो सारे क्लियर हो जाएंगे उसमें? नहीं ठीक है, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो हाँ रिकॉर्डेड है, ठीक है। अच्छा तो लगभग ये कह सकते हो आप 80% होंगे। उसका रीज़न ये है कि मैं कभी भी रिकॉर्ड ऐसे बैठ के नहीं करता, अगर आप मुझे बोलोगे कि ये चीज़ आप रिकॉर्ड कर दीजिए मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे लगता है मेरे सामने जब लोग रहेंगे जो वो डाउट पूछेंगे वो भी ऐड रहेगा तब मुझे मज़ा आता है। जैसे कि अगर मैं बताता कि BIM में क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ 4 महीने की गुरुकुल में, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कंपेयर टू जो इसमें मज़ा आ रहा है, लोगों के डाउट्स आ रहे हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर रिकॉर्डेड आप लेते हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम जाएगी, तो उसके लिए ना एक उसी में आप देखोगे कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके एक छोटा सा कोर्स है जो कि बहुत नॉमिनल, अपना फीस तो आपको पता ही बहुत नॉमिनल होता है, तो 300 पर मंथ का उसका फी है, दैट इज़ ओके 10 रुपीज़ अ डे, ठीक है। और ऑफर वगैरह का अगर वेट कर लेंगे तो 5 रुपीज़ अ डे, ठीक है, दैट इज़ वेरी नॉमिनल। तो वहाँ पर क्या आप आके पूछ सकते हो कि सर ये बना रहे थे ये डाउट आ रहा था, तो दैट विल बी द ओके सर, इजी वे फॉर यू, ओके सर, ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके ओके जी, मोस्ट वेलकम। आदिल कोई किसी कोई क्वेश्चन है पूछ लो, नहीं क्वेश्चन है तो मुझे अलविदा करो, मतलब अलविदा मतलब इधर ही रहेंगे,
ठीक है, और किसी को कुछ और डाउट है डीएम कर देना, किसी को ये है कि सर मेरा सीट कंफर्म कर दीजिए, तो सीट कंफर्म करने का सिंपल आपका स्टेप यही है कि आपके पास अपना यूपीआई नंबर होगा 9092 वाला, ठीक, एक मिनट बैंक बता दो सबको, तो उस पे जस्ट आप पेमेंट करके आप आराम से स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, कुछ लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं ग्रुप में तो आप भी उसमें ऐड हो जाओगे। हाँ मैं बताओ सर, मैं आपको मटेरियल्स मेल करूँ या व्हाट्सएप पर करूँ? व्हाट्सएप कर दो, अगर ज़्यादा हो तो मेल कर दो। मैं एक मेल आईडी देता हूँ, मेरा एक मेल आईडी है गुरुकुल का, उस पर भेजो। उसका बेनिफिट क्या है ना, उसमें क्या होता है वो पेड वगैरह है ना कि 100 GB तक रख सकते हैं डाटा को, तो मुझे इजी हो जाएगा। मैं तुमको भेज दे रहा हूँ, अभी टेस्ट करते रहो, उस पर भेज दो। और ओके सर, मैं आपको कभी भी 11 बजे के बाद कॉल कर सकता हूँ? 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, पर कभी भी के थोड़ा सा पूछ के रखोगे तो थोड़ा मेरे लिए अच्छी रहेगा। आज आज 11 हाँ, कल बजे तो फ्री है, आज नहीं 11 बजे, दिन में बोला मैंने। ओके आज मतलब दिन में बोला, ठीक है ठीक ठीक है। रात में, रात में दिक्कत नहीं है, बट क्या होता है ना रात में इतना थक जाते हैं, मतलब 11:30 के बाद तुम खुद समझोगे कि वो कभी कभी ऐसा होता है कि आवाज ही नहीं निकलती है, ठीक है, तो इसलिए 11 बजे दिन में बोला मैंने, ठीक है चलेगा। ठीक है तो सर मैं आपको कल 11 बजे, ठीक है 11 बजे दिन में इंडिया में कितने बजे? हाँ आराम से करो, कल को कोई दिक्कत नहीं, कल तो फ्री है। जॉइनिंग के रिगार्डिंग आपको थोड़ा कुछ पूछ, ठीक है? ओके सर, ठीक है, थैंक यू, चले ओके। हाँ आकाश बोलो। हाँ सर, बोल रहा था मैं जॉब तो कर रहा हूँ लेकिन बीम में शिफ्ट करना है, तो टाइम भी मैनेजमेंट हो नहीं पाता है, तो क्या करना चाहिए? कितने बजे तुम्हारा, कितने घंटे का टाइम होता है तुम्हारा जॉब का? 10 आवर्स सर, 9 to 7। लैपटॉप अच्छा वाला है तुम्हारे पास? हाँ सर, रेविट आता है, स्केचअप आता है और ऑटोकैड। मुझे थोड़ा अपना काम काम दिखाओगे, और अपना काम दिखाओगे मुझे? हाँ सर, पोर्टफोलियो बनाया हुआ। वेरी गुड, तब तो जरूर, बट लेकिन परफेक्शन नहीं आया ना सर। मुझे मुझे डीएम करो पहले, मुझे लगता नहीं कि तुम्हें जरूरत है, बट अगर होगा तो मैं जरूर जेन्युइन तरीके से तुम्हें राय दे दूंगा, ठीक। मुझे डीएम करो, मेरा नंबर मैंने मेरा चैट बॉक्स में डाल दिया है, मुझे पहले अपना काम दिखाओ, अगर काम में सच में रिक्वायर्ड होगी तो बता दूंगा, नहीं रिक्वायर्ड होगा तो फिर उसके लिए तुम्हें हेल्प कर दूंगा मैं, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू, ठीक है चलेगा। मुझे काम आज ही दिखा देना, याद रहेगा मुझे। हाँ सर जी, चलेगा। हाँ विनायक बताओ। सर जैसे अपन रेविट में 3D इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन करते हैं, तो उसमें अपन स्टील डिजाइन को कितना ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर मान लो कोई एक्सट्रूजन कर लिया अपन ने, कोई डिजाइन में 1-2 फीट बाहर भी लगा दिया एक्सट्रूजन करके, तो उसमें स्टील लगा के ब्रिकवर्क लगा के करना पड़ता है, करेक्ट, तो उसे कितना ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब अगर कोई वीक हो स्टील डिजाइन को, मतलब ध्यान में रखने के लिए तो? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि रेवी स्ट्रक्चर में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें मिस्टेक्स की बात कर रहे हो? एक तरह से मिस्टेक कह सकते हैं। देखो टॉलरेंस होता है, अगर तुम टॉलरेंस की बात कर रहे हो तो 5 mm का टॉलरेंस अलाउ होता है किसी भी मेंबर के लिए, ये माना जाता है कि 5 mm इधर उधर हो जाता है, ठीक है, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं होता है। आपके पास जो ड्राइंग दी हुई है उस ड्राइंग को देख के डिटेलिंग करना पड़ता है, ठीक है, तो उस ड्राइंग में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो फिर हम गलत ही क्यों करेंगे? अगर मतलब अगर गलत, देखो हमें क्या है कि हमें तो हम बीम मॉडल कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा बीम करने का मेन रीज़न ही क्या है कि हम एरर को रिड्यूस कर सके, ठीक है, और अगर इसमें एरर करेंगे तो फिर तो गड़बड़। और अभी अगर इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स में तो इंसान कर भी देता है, यूके वगैरह के प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों की भी साइन लगाए हुए हो तो साइन का एरो का साइज भी वहाँ पर नाप के देना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर सीधे रिजेक्ट कर देते हैं ड्राइंग्स, ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हो। 5 mm तक टॉलरेंस अलाउ है और टॉलरेंस का भी रूल है, एक्चुअली 5 mm तो मैंने मोटा मोटा बता दिया, उसका रूल है, फॉर्मूला है टॉलरेंस का कि किस तरह की बिल्डिंग है उसके हिसाब से उतना टॉलरेंस दे सकते हो, लेकिन एवरेज 5 mm ही आएगा, किसी का 4.3, किसी का 5, किसी का थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे बस, ठीक है चलेगा। किसी का कुछ और भी डाउट रहेगा तो मुझे डीएम कर देना, ठीक, अभी एक स्ट्रक्चर्स गुरुकुल की मीटिंग होगी उसके बाद में फ्री हो जाऊंगा, तो आपको कुछ वार्तालाप भी करना रहा तो कर लेना आराम से, थोड़ा सा वक्त मांग के करोगे तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि एक टाइम पर मैं एक ही लोग से बात करूँगा तो डेफिनेटली, ठीक है चलो, हैव अ गुड डे, नहीं गुड नाइट यार, ठीक है गुड नाइट।
ठीक है, जल्दी से मिलते हैं हम लोग, और अपना बैच स्टार्ट होगा 20 अप्रैल से, तो जिसका मन करे। हाँ, इसमें केवल 25 बच्चों को ही रखा जाएगा। उसका मेन रीज़न क्या है कि मैं चाहता हूँ कि सब पे अच्छे तरीके से फोकस हो, ठीक है। भरने को मैं बहुत लोगों को भर लूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि विनायक का ग्रोथ कितना हो रहा है, बैंक का ग्रोथ कितना हो रहा है, रैना का ग्रोथ, तो फिर क्या मतलब है ऐसे ट्रेनिंग का, मेरा ये मानना है। इसलिए केवल 25 बच्चों का ही सीट रहेगा, तो जल्दी रजिस्टर कर लेना, ठीक है। चलो, कुछ और भी रहेगा तो हम लोग जल्दी ही एक आख मीटिंग और करेंगे। हो सकता है कुछ लोग के माइंड में कुछ और डाउट हो और आज ना सॉल्व हो पाया हो, समय थोड़ा सा लिमिटेड है, इसलिए फिर कभी रख लेंगे, ठीक है। विवेक कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस विवेक, बता दीजिए, आपका मेरे पास 2 मिनट और बचा हुआ है। सर, वो अपना यूनिक सिविल ऐप पे नहीं क्या, वो प्रोमो कोड चल रहा नहीं है, एक करेक्ट, बार रिन्यू कर दीजिए। थैंक ओके ओके, ठीक, करवा देते हैं, ठीक है। मेरी टीम में किसी का यू नंबर है सर। क्या तुम्हारे पास? हाँ सर। मेरी टीम में किसी का नंबर है क्या तुम्हारे पास? नहीं सर। ओके ठीक, मैं करवा देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। ओके चलो, सर, अमरेश, डोंट। अमरेश कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर, जो ये रेविट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर के लिए पीसी सर क्या फीचर्स होना चाहिए? मिनिमम मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए, मिनिमम 4 GB ग्राफिक्स सर, कार्ड होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है बहुत अच्छा है, और सर SSD वगैरह? उसकी ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये हाँ तो मतलब ये बेसिक रिक्वायरमेंट बता दिया कि 4 GB रैम, 8 GB, सॉरी 8 GB रैम, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड मिनिमम है, इसके ऊपर तुम जितने अमीर हो और अच्छी बात है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है ठीक चलेगा। कुछ जी। अगर सिस्टम लेना चाह रहे हो तो मुझसे डिस्कशन कर लेना, लेकिन मैं ये बोलूँगा पैसे मत इन्वेस्ट करो अपने घर वालों का, कोशिश करो कि जो है उसमें काम चला के अच्छी नहीं सर, जॉब लेके एक्चुअल घर वालों मेरे पास है एक्चुअली तो HP उसे चला। का ये 4 GB ग्राफिक्स कार्ड और 144 GB का ये जो रिफ्रेश रेट रैम, होता है, रैम कितना? रैम रैम 16 है सर। सफिशियंट है, ठीक है, सफिशियंट है, ठीक है, चलेगा। किसी और को कोई क्वेश्चन रहेगा अगर छूट गया तो माफ कर देना, और क्या बोलते हैं DM कर देना, मैं जरूर तुम्हारे क्वेश्चंस को जैसे ही 1 घंटे की मीटिंग होती है तो उसके बाद कॉल करके या फिर मैसेज के फॉर्म में जैसे भी सुविधा होगा मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।